पूरे मूल माटी के का आचार पाने के लिए की जय कुछ मुनि एक क्या कहते हैं महाराज की जय अध्याय संग की जय आचार्य जी ने शिक्षा के विषय में बहुत अच्छी बात कही है कि शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। अहिंसा विसर्जन, अहिंसा विसर्जन और जिसका सृजन, यही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अब जब आचार्य महाराज जी के आशीर्वाद से 10 वर्ष पहले पुस्तक अध्यक्ष हाथ में आई जिसका नाम था भारतीय शिक्षा के मूल तत्व, उसमें लिखा हुआ है नजरा तोवर जी की पुस्तक है, हमने लेकर कुछ भेजे थे कुछ दिन पहले, तब उन्होंने भी प्रतियोगिता हुई थी जिसका नाम था बदन की कमान, और उसमें आकाश जी हमेशा पक्ष लेते थे कि सबको पढ़ना चाहिए। तो भारतीय शिक्षा के मूल तत्व में मुख्य बात लिखी है कि 5 प्रकार की शिक्षा होती है तो प्रत्येक भारतीयों को पहले दी जाती थी। पहली है शारीरिक शिक्षा, दूसरी है व्यवसायिक शिक्षा, तीसरी है मानसिक शिक्षा, और चौथी है नैतिक शिक्षा, और पांचवी है आध्यात्मिक शिक्षा। भारतीय संस्कृत विशेषता यह है कि स्कूल से बुजुर्ग और यात्रा इस व्यक्ति की जीवन में होनी चाहिए, इस शिक्षा की कभी नींद नहीं है, पर आज उसका प्रदेश बदल गया है। पूज्य संभवतः महाराज जी ने और जो पूज्य अगर हमारे नाम ने बता दिया कि शिक्षक अपने खुद कैसे जागरूक रहना है, इसके लिए हमेशा आचार्य जी ने अंदर को जागरूक करने का प्रयास किया है। बच्चे से पूछा बच्चा तो मतलब बड़ोगर क्या बनेगा, सही बच्चे सुने होंगे ना यहाँ पर, बच्चे से पूछा बच्चा तुम अगर बड़ा मत क्या बनेगा, बच्चे ने कहा मैं पागल बनूंगा। पागल बनूंगी कैसे, जवाब दे रहा था क्या, उसने क्या जवाब दिया, उसने कहा मम्मी कहती है बड़े होकर मैं तुमको हीरा बनाऊंगा, पापा कहते हैं तुमको बड़े होकर मैं डॉक्टर बनाऊंगा, हमारे चाचू कहते हैं बड़े होकर मैं तुमको एक्टर बनाऊंगा, और मेरी बुआ कहती है कि तुमको बड़े होकर के मैं कोई अच्छा शिक्षक के लिए जाऊंगा, या उसके बाद मेरे जितने साथ हमेशा मैं कुछ चाहती, अब बताइए कि मैं डॉक्टर बनूंगा कि इंजीनियर बनूंगा कि सीए बनूंगा या एक्टर बनूंगा क्रिकेट क्रिकेट खिलाड़ी बनूंगा, मैं कैसे मैं सकता हूँ कि सबके कानून में पागल नहीं बन जाऊंगा क्या। तो वास्तव में शिक्षा के दृष्टिकोण से ऐसी बात होने लगी है, इसलिए शिक्षक के लिए आचार्य ने कहा है जो शिष्टाचार से युक्त हुआ शिक्षक कहलाता है। शिक्षक का जो सबसे बता रहा है क्षमतावान, जो क्षमतावान हो वह कहलाता है शिक्षक, और शिक्षक का तीसरा शब्द होता है का आता है जिसका मतलब होता है क्रियावान। तो जो शिष्टाचार से युक्त हो, जो क्षमावान हो, साथ में क्षमतावान हो और जो क्रियावान हो वही शिक्षक कहलाता है। यहाँ पर सभी शिक्षक उपस्थित हैं, साथ में छात्र उपस्थित हैं। एक और बात बता के बाद समाप्त करूंगा, एक शब्द आपको सुना होगा वाच, WATCH। अभी डॉक्टर की बात कर रही थी तो कोई भी डॉक्टर मरीजों के लिए दवाई देता है हमेशा कहते हैं ना वेट एंड वाच, प्रतीक्षा करो, औषधि जाएगी सही में काम करेगी, उस पर नजर रखो कैसा क्या धीरे होता है, फिर जो दिन की दवाई दी जाती है फिर कहा जाता है कि हमको आपको बताना चेक करना इस सब क्या इफेक्ट हुआ साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ, या जिस उद्देश्य से हमने आपकी चिकित्सा की है वह सही दिशा में जारी की नहीं जा रही है। शिक्षा के जो आला है कि विद्यालय महाविद्यालय है इस सभी इस जीव के इस मनुष्य के सभी जितने भी क्षेत्र हैं उनको सहन करने के लिए बहुत बड़ा अनूठा माध्यम है। आकाशी कहते हैं हमेशा कह रहे हैं शिक्षा एक ऐसी वस्तु है सस्ते सुंदर एक ऐसी वस्तु है जो कि राष्ट्र निर्माण सबसे आम भूमिका निभाती है। इसे डॉक्टर कपिल अनाम अनियोजे ना अश्विन है वो हमेशा इसी बात के लिए कहते रहते थे। तो वाच WATCH वाच है मतलब आप उसके लिए निरीक्षण करो देखो क्या होता है। वाच शब्द का पहला अक्षर है W, W क्या बता रहा है वाच योर वर्ड, आप क्या शब्द बोल रहे हैं। मैं बच्चों को विशेष कहना चाहता हूँ कि आप क्या शब्द बोल रहे हैं इस तरह निगरानी रखो कि वाच, इसके बाद में वाच का सेकंड अक्षर कह रहा है जो शब्द कह रहा है ए, वाच योर एक्शन,
आपकी किस प्रकार से गतिविधियां हैं उस पर आप नजर रखोगे तो आपका भी कल्याण हो सकता है, आपका मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो उसका तीसरा सब्जेक्ट है व्यक्ति, वाच योर थॉट, आपकी सोच क्या है, आपकी विचारधारा क्या है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि बच्चे पढ़ाई तो करते हैं, यहाँ पर भी सोचने लगते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। इसमें बहुत से बच्चे तो पढ़ाई करते करते अवसाद में डिप्रेशन में क्यों आ जाते हैं। इसलिए हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारा चिंतन सही दिशा में होना चाहिए, हम उसमें अपनी नजर रखें, निगरानी रखें। और वह सब का चौथा अक्षर कह रहा है सी, सी का कैरेक्टर, वाच योर कैरेक्टर, अपने चरित्र पर आप ध्यान दो, उस पर नजर रखो, क्योंकि चरित्र ही हमारा सबका अच्छा है, अपने आप हम सबकी उन्नति हो सकती है। वर्तमान में शिक्षा नीति कारण से ऐसा प्रभाव पड़ गया है कि जितने भी फिल्मी आदि मोबाइल आ गए ना, कि लोग चरित्र को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हमारे आचार्य महाराज जी की कृपा थी कि उन्होंने हम लोग से कहा कि नहीं, पहले चरित्र को, यदि शिक्षक चरित्रवान होगा तो अपने आप उनसे शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी भी चरित्र मानेंगे। तो वाच योर कैरेक्टर, और उसका अंतिम शब्द क्या नाम एक शब्द क्या संदेश दे रहा है, वाच योर हैबिट, अपनी आत्मा पर नजर रखो, उस पर निगरानी रखो। अगर अपनी आत्मा पर निगरानी रखेंगे, या विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, या कोई भी व्यक्ति हो, तो हम समझते हैं कि हमारा जीवन उन्नति हो सकता है, हम शिक्षा के सही अर्थों को समझ सकते हैं। इसलिए अपने बात हमेशा उसको निगरानी में रखो, अपने जो पांचों पॉइंट आपको बताए हैं।